हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कंसल्ट फॉर नेक पेन। मैंने बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, वो सब आपके कहने पे वो सारे एपिसोड बना दिए। अब लोगों की ये भी डिमांड थी कि नेक पेन के बारे में भी बता दीजिए। तो सबसे पहले तो नेक पेन को आपकी लैंग्वेज में सर्वाइकल बोला जाता है, जबकि आप जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास तो कभी ये मत कहिए कि मुझे सर्वाइकल हो गया, क्योंकि सर्वाइकल एक पोर्शन का नाम है। जैसे हम इसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, इसको थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं, तो कभी ये नहीं कहते कि हमें थोरेसिक हो गया, कभी ये नहीं कहते लंबर हो गया, तो इसको क्यों कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल जो है वो कम्प्लीट टर्म होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो ये कम्प्लीट टर्म है। पर लोगों का क्या है ना, क्या जब भी एंटर करते तो बोलते हैं हमें सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल एक पोर्शन का नाम है, जैसे नी एक पोर्शन का नाम है, तो मेडिकल टर्म में नेक को सर्वाइकल बोला जाता है। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, किस तरह से हमें बतानी चाहिए अपनी प्रॉब्लम, वो मैं सारा आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि स्पाइन में सबसे मोबाइल, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो पार्ट है वो सर्वाइकल स्पाइन ही होती है। बाकी सब वर्टिब्रा एक के ऊपर एक है, पर जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मोबाइल पार्ट है ये। अब सर्वाइकल स्पाइन में जब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने ये कहना है मुझे नेक पेन हो रही है सबसे पहला। तो अब नेक पेन जो है वो आपको ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक कर रही है। अगर वो सिर्फ आपको सर्वाइकल स्पाइन यानी कि ये जो स्पाइनल वाला एरिया है सिर्फ वहाँ पे रह रही है, या आपके ट्रेपीजियस मसल यानी कि ये कॉलर जो है वहाँ तक जा रही है, ट्रेपीजियस मसल में जा रही है, या उससे भी नीचे आर्म से लेके पूरी बाजू तक, हाथों तक जा रही है, तो ये एरिया ऑफ पेन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है, डॉक्टर को पता लग जाता है कि कोई नर्व तो नहीं प्रेस हो रही, C4, C5, C6 इस तरह से कोई ना कोई नर्व प्रेस हो रही है, तो इसके बारे में पता लग जाएगा। तो ये ज़रूर बताइए कि पेन जो है वो लोकल हो रहा है या हमारा ट्रेपीजियस मसल में या आर्म में। सेकंड, अगर हमारा नेक से लेके अपर बैक तक यानी कि जो स्कैपुलर एरिया है, इस तरह ये जो स्कैपुलर एरिया है यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो भी आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि ये C7, T1 इस तरह से अपर थोरेसिक जो लेवल है वो भी कई बार पोस्चर के रिलेटेड होता है, फंस जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें जो ट्रैवल करता है वो पेन वो अपर बैक तक भी करता है, क्योंकि ये मस्कुलर सर्वाइकल स्पाइन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पोस्चर से बहुत रिलेटेड है। अब चाहे वो स्लीपिंग पोस्चर हो, चाहे हमारा वर्किंग पोस्चर हो, सिटिंग पोस्चर हो, तो ये सबसे ज़्यादा रिलेटेड उससे है। तो जब भी आप उनको बताएं तो ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सा काम करते हैं। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या सारा दिन आपका लैपटॉप पर काम है, तो आपको पोकिंग चिन होना बिल्कुल, मतलब ये ऑब्वियस ही चीज़ है कि आप इस तरह से काम करते होंगे। तो पोकिंग चिन होने से C2 वर्टिब्रा पे सारा स्ट्रेस आता है, सारे मसल्स हमारे डीप फ्लेक्सर जो होते हैं वो बड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कई बार लोगों को चक्कर भी आता है। तो इस तरह से अपना जो वर्किंग आपका ऑक्यूपेशन है वो ज़रूर बताइए। या हमें जो पेन है वो मॉर्निंग स्टिफनेस की वजह से तो हो रहा है, तो अगर वो मॉर्निंग स्टिफनेस की वजह से हो रहा है तो सर्वाइकल स्पाइन, जो रात को सोने में हमारा पिलो ख़राब हो सकता है, स्लीपिंग पोस्चर ख़राब हो सकता है। वैसे मैंने सर्वाइकल के ऊपर कैसे सोना चाहिए उस पर वीडियो एक बना हुआ है, वो ज़रूर देख लीजिए जिनको नहीं पता लगता। तो इस तरह से हमने पहले बता दिया एरिया, सेकेंड बता दिया हमारा ऑक्यूपेशन, अब बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं कि कितने दिन से हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है और कैसे शुरू हुआ है, ये सब आपने बताना है। अब सर्वाइकल के साथ या अपना आपकी लैंग्वेज में सर्वाइकल के साथ नेक पेन के साथ और भी बहुत इशू आते हैं। लोगों को हेडेक होता है, चक्कर आते हैं जिसको हम वटाइको बोलते हैं, और सर्वाइकोजेनिक हेडेक आपको बता दिया मैंने, या रेडिएटिंग पेन होता है, हाथों में नमनेस आ रही है, इस तरह से होता है। अब हेडेक का कारण भी हो सकता है हमारा खराब पोस्चर या स्ट्रेसफुल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हमारे नेक में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो इरिटेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पास हमारे यही वाले मसल पड़े हैं हमारे हेड के, तो हेडेक होना ये बड़ी ऑब्वियस ही चीज़ हो जाती है जब भी हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें ये चीज़ का भी बताना होता है कि हेडेक तो नहीं हो रहा या हमारे चक्कर तो नहीं आ रहे, वॉमिटिंग की फीलिंग तो नहीं आ रही, क्योंकि ये सब सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड होता है। अब एज रिलेटेड होता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है या स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, या आपको जब जो सिर्फ मसल स्पाज़म होता है, या कईयों को क्या होता है SCM का स्पाज़म हो जाता है, तो उनको राई नेक होती है। कई पेशेंट हमारे पास इस तरह से आते हैं सुबह सुबह, जिसको हम बोलते हैं गर्दन में वल पड़ गया, तो इस तरह से वो पेशेंट आते हैं, इसको राई नेक बोलते हैं। इस पर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका मैं नेक्स्ट एपिसोड भी बनाऊंगा। तो सर्वाइकल स्पाइन के लिए हमने ये भी बता लिया ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे पेन शुरू हुआ, कहाँ कहाँ पेन ट्रैवल कर सकता है, क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड, तो वो चीज़ों के बारे में आप साथ में ज़रूर बताइए।
अब नेक्स्ट इशू आता है सर्वाइकल स्पाइन में, स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। अब जो भी हमारे पास एक्सरे लेके आता है उसमें से 70% लोगों का यही होता है कि लॉस ऑफ सर्वाइकल लोडोसिस होता है या स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन लिखा होता है। तो उसमें जब ये चीज़ लिखी होती है तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ तो ये मसल की इंस्टेबिलिटी है, मसल का इम्बैलेंस है। तो यहाँ आपका पोस्चर इतना ख़राब है या मसल में इतना ज़्यादा स्पाजम है कि उसने उसको सीधा कर दिया है, इतना टाइट कर दिया है। तो हमने जो मसल्स टाइट हैं उसको कैसे रिलैक्स करना है इसके बारे में पूछिए, और जो बिल्कुल लूज़ हो चुके हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं, उनमें स्ट्रेंथ कैसे लेके आनी है उसके बारे में पूछिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर हमारा सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस तरह से ये वाली मूवमेंट्स करने लगते हैं। तो ये तो फ्री मूवमेंट्स हैं। आप प्रॉपर पूछिए कि मुझे इस जगह में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे ठीक हो। जैसे ट्रेपेजाइटिस है, अब यहाँ पे हमें जो मसल स्पाजम होता है ट्रेपीजियस मसल का, वो लोगों को जब जिमिंग करते हैं इस तरह से अबव हेड एक्टिविटी करते हैं उनको भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब उनको बार बार ओवर यूज़ की वजह से ये चीज़ आ रही है तो ये भी बताना ज़रूरी होता है कि हमने जिमिंग किया था या वेट उठाया था, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी बातें हैं, जब हमें बताएंगे तो पता लगेगा। तो ट्रेपेजाइटिस के लिए जो ट्रेपेजियस मसल टाइट हो जाता है उसकी स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, वो नॉर्मल सी स्ट्रेचिंग करके ही ठीक होगा। तो ये वाली मूवमेंट्स करके ये ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो मूवमेंट्स हैं या फ्री मूवमेंट्स हैं, आप जब वर्किंग कर रहे हैं तब कर सकते हैं, पर इस ये कोई ट्रीटमेंट वाले मूवमेंट नहीं है, ये फ्री मूवमेंट्स हैं। तो इसलिए हाँ, एक और चीज़ आती है कि अब लोग पूछते हैं कि हमें हीट लेनी चाहिए या आइस पैक लेना चाहिए। तो मोस्टली 80% केसेज में सर्वाइकल स्पाइन के हम हीटिंग ही यूज़ करते हैं। हीट पैड इसलिए यूज़ करते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि इसमें इंजरी बहुत कम होती है। ये सिर्फ राई नेक एक ऐसा इशू होता है जो हमारा SCM मसल एकदम से स्पाजम में चला जाता है, उसमें हम आइसिंग यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें भी जब वो क्रॉनिक केस में पहुंच चुका होता है तो हम हीटिंग ही यूज़ करते हैं। तो मोस्टली सर्वाइकल स्पाइन हम हीटिंग से ही ट्रीट करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी ना हुई हो। तो आपका ये भी आंसर मिल गया कि हमें हीटिंग करना चाहिए या तो हीट करने से जब हम स्ट्रेच करेंगे या मसल का एक्सरसाइज करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो मसल सॉफ्ट होता है, ईजिली स्ट्रेच हो पाता है। तो हमने ये चीज़ भी ज़रूर हमने इन्वॉल्व करनी है उसमें। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं जब भी आपने सर्वाइकल स्पाइन के रिलेटेड, अपनी नेक प्रॉब्लम के रिलेटेड हमें कंसल्ट करना है। इसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जो आर्म पेन का उसका भी वीडियो बना हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। और नॉर्मल हमने जो चिन टकिंग एक्सरसाइज है वो कैसे करते हैं, हमारे डी फ्लेक्सर कैसे ठीक होंगे, हेडेक कैसे ठीक होगा, उसकी आप ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसको लिंक को देख सकते हैं। और इसी तरह से जो बैक पे, शोल्डर पे और नी में जो हमारा हाउ टू कंसल्ट विद डॉक्टर, ये मैंने एपिसोड बनाए हुए हैं, इसको जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। क्योंकि हमारा जो पहला था वीडियो जिसमें मैंने पूछा था हाउ टू कंसल्ट, वो हमने जनरल बताया था, तो लोगों से मैंने पूछा था कि आप कौन से जॉइंट पे देखना चाहते हैं, तो सबने बोला था। तो एक एक करके मैं सब जॉइंट्स पे बना रहा हूँ। तो ये आपको जिन्होंने मेरे से नेक के लिए पूछा था, आर्म में पेन जा रहा है उसके लिए पूछा था, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज घर से काम कर रहे हैं तो नेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बहुत सारे लोगों को हो रही है, तो उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए कि किस तरह से वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी हमारे अपडेट्स आते रहते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।